जय हिंद दोस्तों। हमारे लोग अभी थोड़ा जागरूक होने लगे, फिर भी आज चार हमारे साथियों ने व्हाट्सएप में मुझे एक मैसेज भेजा। ये मैसेज एक लेफ्टिनेंट कर्नल के नाम पे साइन हुआ है और ये मैसेज हर जगह सर्कुलेट हो रहा है। हमारे जो लोग है ना, पता नहीं उनको क्या मजा आ रहा है, ऐसे अफवाह झूठा मैसेज भेज के लोगों के जो है सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं। इसका नाम लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल DB ठाकुर रिटायर्ड DR ठाकुर और उसके नीचे लिखा है सेंट्रल प्रेसिडेंट। ये पता नहीं कहां का सेंट्रल प्रेसिडेंट है, इसका जो संस्था का कोई नाम नहीं है लेकिन लिखा है सेंट्रल प्रेसिडेंट। और ऐसे उसने जो मैसेज इसके नाम पे अभी चल रहा है, लाखों लोगों ने ये मैसेज देख लिया। अब मैसेज क्या है, कल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के बाद प्राइम मिनिस्टर इसको अनाउंस करेगा। जिस ये ऐसा ऑफिसर है, पता नहीं ऑफिसर है या कौन है, अगर ऑफिसर है तो इनको ये नहीं मालूम है कि आजकल पेंशन JCOs का जो है कम मिल रहा है, और इसको ये नहीं पता कि JCOs को कितना पेमेंट मिल रहा है। ये अफसर का नहीं डाला इसमें, इसमें सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक डाला। अफसर को क्यों नहीं डाला, इसका मतलब अफसर को ज्यादा मिल रहा है, जवानों को कम मिल रहा है, यही है ना। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि जवानों को गुमराह करने के लिए इस तरह गुमराह करो जवानों को। ये हर जगह यही बात करेंगे, भाई हमें ये मिलना है, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा। और इस बीच में जो है अफसर अपना रोटी सेक लेगा। अंग्रेज ने क्या किया, जवानों को इतना काम दिया सुबह 4 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, क्यों, ताकि वो जवान जो है शाम को 7 बजे तक वो थक जाएगा तो उसके पास कोई टाइम नहीं होगा वो मतलब अपने मतलब आगे पीछे क्या हो रहा है ये सोचने की टाइम नहीं मिलेगा। अंग्रेज तो चला गया, आज भी वही कानून चल रहा है फौज में और जवानों के पास इतना टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए। और ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल नाम डाल के जिसने डाला है, ये मैं गाली नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसे गाली दूंगा, ऐसे जेंटलमैन, इसने जवानों को इसलिए गुमराह किया। अब से इसका कुछ चाल चल रहा है अभी, इसका मतलब अब ये दिखाएंगे कि जवानों को इतना कम मिल रहा, कम मिल रहा। अब इस व्हाट्सएप में ऐसे क्या मतलब अफवाह फैला रहा है वो, जो मैं नकली मैसेज इसलिए बता रहा हूं, नहीं मतलब ऊपर से लेंगे, सूबेदार मेजर का बता रहा, एक सूबेदार मेजर जो है 27 साल का नौकरी, और सूबेदार का कितना ले रहा है 28 साल का। ये सूबेदार मेजर 27 साल का जो सूबेदार मेजर है उसका सैलरी दिखा रहा है ये 1,08,000। ये 1,08,000 जो है MSP 5,200 मिला के, और इसका आधा कितना बनता है 54,000।
ओआरओपी में 13,045 इनको मिला था और उसका 2.57 मल्टीप्लाई करने से सुबेदार का बना था। इसको देखो, ये मल्टीप्लीकेशन भी सही ढंग से नहीं डाला और ये डिफरेंस दिखा रहा है 20,474 रुपए, यानी कि पहले वाला ज्यादा ले रहा। ये 54,000 रुपए जो दिखा रहा है ना सुबेदार मेजर का, अभी जो सुबेदार मेजर आउट हो रहा है उसको मिल रहा है 27,500 रुपए मिल रहा है और किसी किसी को 28,500। अब सुबेदार का क्या बता रहा, सुबेदार का देखो, एक्स ग्रुप का जो है, चलो एक्स ग्रुप चलो वही ग्रुप ही ले लो, वही ग्रुप सुबेदार का ये दिखा रहा है 52,500, लेकिन असल में सुबेदार को कितना मिल रहा है 26,500। ये बाकी 26,000 कौन देगा भाई साहब। अब नायब सुबेदार का, अब नायब सुबेदार का क्या बता रहा है, 69,500 यानी कि 79,500 ये मैं पे बता रहा हूं और इसका आधा बनता है 39,750 39,750। अब एक नायब सुबेदार को जो मिल रहा है जो अभी का रिटायरी है 23,650। अब बाकी 16,100 रुपए ये अपने घर से लेके देगा। अब एक और अभी दे दिया, पहले ये ऑनलाइन ऐप सुबेदार का भी दे रहा है, 2017 के बाद कोई ऑनलाइन ऐप सुबेदार है ही नहीं, लेकिन वो भी दिखा रहा, उसका बता रहा 37,600। अभी कितना मिल रहा है ऑनलाइन ऐप सुबेदार को, 21,653। ये बाकी 15,000 कहां से लेके देगा। उसके बाद जो है ना नायक में दो तरह, हवलदार का बता रहा सैलरी 62,700 और इसका आधा है 31,750 जो है इसका पेंशन बन रहा है। और अभी कितना है पेंशन है जो बाकी 11,283 ये अपने बाप के घर से लेके आएगा। अब उसके बाद जो है नायक तो 2014 के बाद कोई टीएस नायक नहीं है, लेकिन यहां पे क्या टीएस नायक भी दिखा रहा और नायक भी दिखा रहा और टीएस नायक का ये बता रहा 17 साल का सर्विस 40,200 यानी कि 46,200। अब 46,200 में इसका आधा बनता है 23,100। अब जो मिल रहा है नायक को 18,427 18,427 ये बाकी पैसा ये अपने ससुराल के घर से लेके आएगा। अब पक्का नायक, पक्का नायक का ये बता रहा है 20 साल का सर्विस उसको दिखा रहा 25,000 पेंशन, यानी कि डिफरेंस कितना है 6,573। ये 25,000 पेंशन जो है एक अभी जो रिटायर हो रहा एक नायक सुबेदार को नहीं मिल रहा और ये दिखा रहा है ये नायक का पेंशन। और सिपाही का कितना दिखा रहा है 19,100 दिखा रहा है। चलो 19,100 थोड़ा बहुत मान लेते हैं क्योंकि एसीपी की वजह से मिल जाता है, एसीपी 1 अगर वो लिया है तो उसका बन जाता है। कहने का मतलब है
कि ऐसा जो चीज जो है इतना वायरल घूम रहा है, और 15 तारीख को ये मतलब प्रधानमंत्री सबको देगा, प्रधानमंत्री सबको देगा। अरे प्रधानमंत्री कहां से देगा, ना कोई पे कमीशन, ना कोई कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग, ना कोई कुछ भी नहीं हुआ, और ये कहां से लागू करेंगे? इसका मतलब जो सर्विस में है सबका इतना मतलब बढ़ जाएगा सैलरी। और जो लोग है ना मेरे को ये मैसेज भेजते हैं ना, प्लीज आप सोच लो अपने आप, अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा आप देखो, उसमें मैं वेरी क्लियरली बताया सब वीडियो में। अभी जो जेसीओ रिटायर हो रहा है, नायब सुबेदार से लेके सुबेदार मेजर तक और ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, सभी लोग जो है, सिर्फ नायब सुबेदार जो है 1500 तो कम ले रहा, बाकी सब सुबेदार, सुबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन 5500 से लेके 6500 रुपए तक कम ले रहे हैं। और ऐसे ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल, इनको जो है चौराहे पे खड़े करके पीटना नहीं चाहिए जिसने ये मैसेज बना के भेजा। मैं कल भी वीडियो में बताया, जो अफवाह उसके पीछे मत भागो। पिछले मतलब 2015 में सबने यही सोचा कि प्राइम मिनिस्टर जो है रेड फोर्ट से ऐलान करेगा वॉर ओपी के बारे में। उस टाइम ही मैंने कहा कि एयरपोर्ट मतलब रेड फोर्ट से ऐसे चीज नहीं होता। कल भी कोई ऐलान नहीं करेगा, कुछ नहीं है, कोई मतलब बेसलेस है। ऐसे अफवाह आज और भी लोग है ना पास करते रहेंगे। कोई भी आदमी जो भी मेरे वीडियो देखता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे अफवाह के पीछे मत भागना। मैं बार बार यही कहता हूं कि वन रैंक वन पेंशन ये लंगड़ी है। चलो लंगड़ी है फिर भी थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन ये मजबूरन देना पड़ा। उन देने के लिए उस टाइम का जो है हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब का जो है मन नहीं था। उसने तो साफ बताया कि इलेक्शन में जीतने के लिए हम 100 झूठ बोलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक चीज को निभाना है। ओआरओपी हमें इसलिए मिला था, उसके 3-4 वजह है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट ने भी बीच में टांग अड़ाया, इसलिए मिला था। और वो वॉर ओपी नहीं था, वो मतलब उसमें बहुत सारे कमियां हैं, मैं बार बार वो बता रहा हूं और बताते जाऊंगा। जब तक वो सारी चीज हल नहीं होगा तब तक वन रैंक वन पेंशन का कोई नाम निशाना कुछ नहीं है। अगर कोई भी अगर आपको ये कहेगा कि वो आर ओपी मिलेगा तो उनसे पूछो कि कौन सा मतलब दफ्तर से मैसेज है, और उनको पकड़ लो उसको। दोस्तों आज के लिए इतना है। अफवाह ये रूमर फैलाने वाले इनसे दूर रहो, और अपना दिमाग को इस्तेमाल करके सच्चाई खुद ही ढूंढो। मेरा वीडियो निकालने का एक ही मकसद यही है, आप लोगों को जागरूक करना है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, और आप भी थोड़ा सा मेहनत करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जागरूक होना चाहिए। मैं कोई किसी को ये नहीं बताऊंगा शेयर, ये मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, वो सब मैं भूल गया, नहीं बताऊंगा। लेकिन कम से कम जो है वीडियो शेयर करके बाकी लोगों को ये बताओ कि ऐसे ऐसे जो है ये गलत मैसेज है, अफवाह के पीछे मत भागो, सही मैसेज आप खुद ही उनको बता दो। जय हिंद, वंदे मातरम।